कैसी अपमानजनक बातें करा रहा है ये अश्लील है ये लोना। और भी निकालते हैं क्या? और भी अलग निकालते हैं? मतलब कुछ भी बिहार वाला प्यार मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? एकदम एकदम मिल रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे बिहार लोगों से? अरे चलिए चलिए बढ़िया है, चलिए एंजॉय कीजिए। थिएटर देखने आए थे क्या? थिएटर देखने आए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और मैं हूँ आपका होस्ट आयान सिंह, और आज हम लोग आए हुए सोनपुर मेला में। बहुत बहुत सारी चीजें इसके बारे में सुनी थी हम लोग, बहुत टाइम नहीं मिल रहा था हम लोग, तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ पटना आए हैं, तो अब हम लोगों ने यहाँ का ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, और इसीलिए हम लोग सोनपुर में आया। बहुत सारी सुने, अभी जाएंगे अंदर, चलिए देखते हैं। अभी तो पहले भीड़ दिख रही है, चलते हैं अंदर। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए इधर खाने का सामान है, यहाँ पे हर एक माल है, हर एक माल, हर एक माल 10 रुपया 10 रुपया। गाइज, और आज है संडे, और संडे के दिन देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। आप संडे को तो मत आइए, बाप रे बाप, बहुत भीड़ है भाई साहब यहाँ पे, इतना भीड़ है कि चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं आप संडे का भीड़, संडे बन गया फंडे, और आज बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे सोनपुर मेला में। देखिए भाई, गाइस देखिए हम लोग आए हुए हैं रोलर फ्रूट्स फलूदा आइसक्रीम के पास। यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला मार्केट में, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है ये, इनसे बात करते भैया से क्या है और कैसे बनता है ये। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? पिंटू गुप्ता। पिंटू गुप्ता सर, क्या कैसे बनाते हैं आप ये? इसमें राबड़ी चढ़ता है, राबड़ी चढ़ के रियल फ्रूट, अच्छा, केला, संतरा, अनार और अभी पपीता, चार चीज चढ़ता है, और गर्मी में आम है, तरबूजा है, लालमी है, पूरा नेचुरल सामान है, पूरा नेचुरल है, केमिकल नहीं, कोई मतलब फ्लेवर नहीं, मतलब सब चीज नेचुरल। हाँ तो अभी हमने खाया, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो आपने, आप ये सालों भर यही काम करते हैं? आप साल भर यही काम करते हो क्या? अभी मतलब अभी तो जैसे अभी स्टार्ट हुआ मेला, तब आपने ये शॉप लगाया? मेला जब बंद रहता है तब क्या करते हैं, मतलब इसका कहाँ पे शॉप लगता है? जहाँ मेला जाते हैं हम लोग मेला के साथ में जाते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ मतलब सालों भर जहाँ जहाँ लगता है वहाँ जाते हैं आप? अरे चलिए बढ़िया चीज़ है सर, आपको ऐसे ही करते रहिए, आपका यही बिजनेस है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या मतलब सेल आउट क्या हो जाती है आपकी एक दिन में? क्या सेल आउट, क्या सेल कितना कर पाते हैं एक दिन में? संडे को ज्यादा है और दिन कम है। जैसे आज संडे है तो आज ज्यादा सेल होगा? 10,000 12,000। अच्छा, था 4,000 5,000। यहाँ पे रोलर है फ्रूट्स फलूदा आइसक्रीम, तो चलिए उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी आपको? पहली बार खाए क्या ये? पहली बार खा रहे हैं, मतलब जितना दाम है उसके अनुसार है ये? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, चलिए पहली बार खा रहे तो अजीब लग रहा है। अच्छा, मतलब नाम से खा रहे थे क्या आप? देखकर नाम से देखकर अच्छा मिलता है। यूपी में? अच्छा, आप लोग यूपी से है क्या? ऐसा ये लोग का कहना है। अच्छा, आप लोग यूपी से है क्या? कह रहे हैं कि यूपी से अच्छा मिलता है। गोरखपुर?
अरे भैया गोरखपुर में तो हम कंपटीशन जीत के आए हैं डांस का, हो सकता है। यहाँ क्या सोनपुर घूमने आए यहाँ पे आप? आज 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 ही आए हैं तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बिहार में आके आपको? मतलब आपको बिहार वाला प्यार मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? मिल रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे बिहार लोगों से? अरे चलिए चलिए बढ़िया है, चलिए एंजॉय कीजिए। क्या थिएटर देखने आए? अच्छा थिएटर देखने आए, तब तो रात का इंतजार कीजिए। हाँ रात का इंतजार कीजिए और थिएटर देख के जाइएगा बिहार का। थोड़ा सा बिजनेस को बिल्डअप कीजिए, बहुत अच्छी चीज है ये, हमने भी अभी खाया, देख सकते हैं बहुत ही यूनिक चीज अभी देखने को मिला सोनपुर में, अब ये देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे और इनके मतलब इस चीज का मजा लीजिए, फलूदा का बहुत मजा है हम लोग को खाकर भी, और लोगों ने भी अच्छा रिव्यू दिया। चलिए चलिए गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है? थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है सर? नाक में धुआं दे रहा है सर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भैया का दुकान है। क्या नाम है, क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? क्या? परशुराम कुमार। परशुराम भैया के पास आए हुए हैं, ये बनाते हैं आपका पान, जो आग फायर पान है और एक स्मोक पान है, दोनों अभी हम लोग बनवा रहे हैं भैया से। देखिए बन रहा है हमारा, रेडी हो रहा है। और क्या क्या डालते हैं भैया बताते रहिए। सब मसाला, ये क्या बोला तूने? तो बताते रहे भैया क्या क्या डाल रहे हैं इसमें। अच्छा ये फायर वाला बन जाएगा क्या? फायर वाला, ये देखिए फायर यहाँ पे चल रहा है, चल रहा है अभी हमारे माँ काम करता हूँ। ओम सर्वमंगल मंगल मुंह उठवा जड़ गया का सर? मुंह से हक्का बक्का गुल है, मुंह में आग चल। भाई अब देखिए अब स्मोक वाला रेडी हो गया है पान। ये देखिए कुनाल खाएगा स्मोक वाला, वाह 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 वाह। कैसा लग रहा कुनाल? इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। अब हम लोग टिकट लेंगे, 20 रुपए में एक टिकट है और ये बच्चा ले रहा है टिकट। अब टिकट लेके हम लोग चलेंगे ट्रेन पे, क्योंकि बिना टिकट के ट्रेन में सवारी नहीं करना चाहिए लोगों को, नहीं तो जेल हो सकती है। और ये सब है देखिए, कलुआ है, तीनों कलुआ है, एक मोटका है सब, एक लड़का है कि लड़की इसको नहीं पता खुद। तो चलिए गाइस हम लोग टिकट ले चुके हैं, अब ट्रेन में चलेंगे प्रवेश द्वार हो गया। तो चलिए हम लोग अब हो गया, अब स्टेशन पे चले गए। ये है रेल ग्राम स्टेशन गाइस। अरे देखिए सब, अरे सब छुचुम लोग है। आइए इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन, 1 2 3 खत्म जा। 3 बोगी है खत्म। तो चलिए चलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन में, बोले कि पहला ट्रेन है जिसमें लोहा का चक्का नहीं है, रबड़ का चक्का है, एक ट्रैक्टर जैसा आवाज करके चालू हुआ है ट्रेन हमारा। देखिए गाइस हम लोग खड़े हो चुके ट्रेन पे और ट्रेन चालू हो गई गाइस, हम तक इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन। अच्छा ट्रेन के नाम पे ट्रैक्टर है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मजा उठा रहे हैं यार। हम लोग ट्रेन का सफर ले रहे, मजा ले रहे हैं, सफर का मजा ले रहे हैं।
भाई सोनपुर में ये भी है, ट्रेन का मजा ले सकते हैं आप, हम सब भी ले रहे हैं, आइए तो ट्रेन का मजा लीजिए। एक स्टेशन गाइस फाइनली हम लोग सोनपुर घूम चुके हैं और यहाँ पे रेल यात्रा भी हम लोग कर चुके हैं, बहुत मजा आया उसमें। हम लोग कुछ बहुत सारी चीजें नए नए देखे हम लोग यहाँ पे, कुछ खाने की भी चीजें थी बहुत अच्छी अच्छी थी, हम लोग ने अच्छे अच्छे डॉग देखे यहाँ पे, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की है वीडियो में, बहुत सारी वीडियो एक कट टू कट आएगी। तो अभी एक ब्लॉग का जो हमारा है जो वीडियो अभी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, हमने बहुत घूम लिया, 5-6 घंटे घूम लिए और यहाँ पे बहुत सारी चीजें है जैसे थिएटर वगैरह है तो वो सब रात को ही ओपन होती है, अभी कोई चांस नहीं है, दिन में कोई चांस नहीं है आपका ओपन होने का। हम लोग ने यहाँ पे घूम लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं घर की ओर, बहुत मजा आया यहाँ पे। संडे को आई है तो बहुत ज्यादा ही रश है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, चलने तक प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए सोनपुर में, हमारे सोनपुर बिहार में, और घूमिए और मजा लीजिए यहाँ का, बहुत ही मजा आएगा इस मेले में, आप कभी बोर नहीं होइएगा, ठीक है। हर एक चीज, हर थोड़े से कदम पे कुछ कुछ नई नई चीजें आपको मिलेगी जो आपने कभी जल्दी नहीं देखा होगा। तो आप लोग आइए यहाँ पे और देखिए और खूब मजा लीजिए सोनपुर मेला का। तो गाइस चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।